अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं और सालाना जो कि 30 से 31 अरब डॉलर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को इस टाइम पे आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के पैसा भेजते हैं, उनकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। इस टाइम पर पाकिस्तान को आप जैसे और पाकिस्तान से और बाहर जाने वाले पाकिस्तानी जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि जापान गवर्नमेंट ने 14 कैटेगरीज़ में एम्प्लॉयमेंट का ऐलान किया है। वो नौजवान जो मैट्रिक पास हैं और जिनके पास इन 14 कैटेगरीज़ के अंदर कोई सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, वो जापानीज़ लैंग्वेज जो कि 3 से 6 महीने पे उनका कोर्स मौजूद है, वो हासिल करके जापान में जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इन 14 कैटेगरीज़ में नर्सिंग, बिल्डिंग क्लीनिंग, मशीन पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, शिपिंग एंड शिप मशीनरी, ऑटोमोबाइल रिपेयर, एविएशन इंडस्ट्री, एकोमोडेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड फूड सर्विसेज इंडस्ट्री हैं। इन 14 कैटेगरीज़ में जितने भी पाकिस्तानी यूथ जो कि बाहर जा के अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की तस्दीकशुदा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अपना जापानी लैंग्वेज का N5 या N4 कोर्स को हासिल करें, टेस्ट को पास करें और बाहर जाने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जापान गवर्नमेंट का टेस्ट पास करके ही आप एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ जॉब करने के लिए। जापान एक नया सेक्टर है और वहाँ पे तरक्की के और जॉब्स के बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं, और मैं अपने नेक्स्ट क्लिप के अंदर थोड़ी सी जापान के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। उस वक्त के लिए शुक्रिया।